हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे और मेरी रेसिपीज एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं, मैं पहले दूसरी रेसिपी बता चुकी हूँ मटन लिवर की, बल्कि तीन तीन रेसिपी बता चुकी हूँ, अब ये एक और मैं बता रही हूँ। तवा कलेजी मटन लिवर बना रहे हैं हम तवे पर, तवा कलेजी बना रहे हैं, थोड़ी चटपटी, तीखी, मज़ेदार, स्पाइसी एंड यम्मी। तो अब हम इसको बना रहे हैं। थोड़ा सा हमने रखा है अभी पानी में डाल के, एक कलेजी है हमारे पास मटन की, पूरी फुल कलेजी है, उसमें हमने पानी डाला। अब थोड़ा सिरका डाल के हम इसको हल्का बॉईल कर लेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है और वो थोड़ा गल जाए, कलेजी जल्दी सख्त नहीं हो। 2 टीस्पून हमने इसमें सिरका डाला है। चलें इसको हम बॉईल कर लेते हैं। ये हमने डाला ऑयल, बहुत ज्यादा नहीं डालती मैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं है ज्यादा ऑयल डालना। तो हम ले लेते हैं वापस। अच्छा, अब हम डालेंगे इसमें प्याज डाली थोड़ी सी, बस एक छोटी हमने चॉप करके रखी है। इसको हम अपने को पके करेंगे, बहुत ज्यादा हमने गोल्डन नहीं करना है। 2 टमाटर लिए तो उसको छोटा छोटा कट कर लिया, ठीक है। 2 से 3 हरी मिर्चें लिए, ये 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सारा धनिया, थोड़ा सा पुदीना लेके आएंगे उसका, थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखानी है तवा कलेजी बनानी है, क्योंकि बहुत सारे मैं स्टाइल से बनाती हूँ, आप लोगों को 2-3 मैं रेसिपी तो शेयर कर चुकी हूँ। अब ये एक और दूसरी, और आवाज़ अगर कम आ रही हो तो जाहिर है उस पर आप लोग वो कर लिया करें, वैसे मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, मुझे कम आ रही है तो आप लोग देख के समझ आया करें क्या कहा है। बस इसको हमने हल्का सा सौते करना है, कलेजी को हमने एक उबाल देके हल्का सा बॉइल करना है कि सख्त ना हो, ज़्यादा बॉइल करेंगे आपकी कलेजी सख्त हो जाएगी और वो टेस्टलेस हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अब हम कलेजी को ही एक साइड पे इधर रख देते हैं, इधर प्याज हो रही है हमारी, इतने हम कलेजी को ये भी अच्छे से हो जाए, जो रॉय स्मेल है वो निकल जाए। हमने कलेजी को एक साइड पर कर लिया, इसमें प्याज हो रहा है हमारा, इसमें कलेजी हमारी। कलेजी में हम अगर लहसुन थोड़ा सा मिला देंगे, बहुत ज़्यादा कलेजी को कभी भी ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, सख्त हो जाती है और उसकी जायका भी निकल जाता है, मज़ा जो होता है ना एक कलेजी का सॉफ्ट भी रहे वो नहीं रहेगी, तो इसलिए हम कलेजी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें हम ये हरा मसाला डाल देंगे जो हमने बनाया, हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च, ये टमाटर हमने ऐड किए इसमें, बहुत मजे की चटपटी और मिलेगी हमारी। हमने डाली टूटी काली मिर्च, टूटी लाल मिर्च 2 टीस्पून, 1 टीस्पून टूटी काली मिर्च, ये हल्दी हमने 1/2 टीस्पून लिए, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है, नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून हमने लिए है रेड चिली फ्लैक,
अच्छे से भून लेंगे। टमाटर हमारे जैसे होंगे तो फिर हम उसमें दही ऐड करेंगे। जब आपको ये मसाला अच्छे से हो जाए फिर आप चेक कर लें अगर कलेजी बिल्कुल आपकी रेडी हो गई है तो आप निकालें, वरना हल्का सा अपना पानी ऐड कर लें। मैंने उसके लेयर निकाल ली थी टमाटर की, इसके रिमूव करके मैंने डाले हैं कट करके, कि वो एक खाने में भी अजीब आती है वो, फिर हटाते इससे बेहतर है आप हटाकर ही डालें और हटाकर ही डाला करें ज़्यादातर। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस पे फॉलो भी बहुत किया है टमाटर को, मैं ज़्यादातर लेयर हटा के डालती हूँ और थोड़ा सा उसको क्रश करके भी डाल दूँ। लोग मेरी छोटी छोटी बातों को भी नोट करते हैं कि आप क्या करते हैं, तो आप लोग भी नोट किया करें डालें, आप लोगों का भी भला हो। टमाटर हमारे हो गए हैं, दही थोड़ा ऐड करेंगे। हमने 1 कप दही लिया था तो हमने डाल दिया, क्योंकि हमें ग्रेवी थोड़ी सी हो तो खाया जाता है ना आप नान से रोटी से चपाती से जैसे। कोई भी चीज़ उसमें बहुत खुश कलेजी कभी भी बहुत ज़्यादा खुश होगी तो वो आपको ऐसा लगेगा हंस रही है गले में, थोड़ी ग्रेवी के साथ होगी तो खाया भी जाएगा, अच्छा भी लगेगा, टेस्ट भी आएगा, मज़ा। और इसका भी देखते रहे हैं आप आगे भी कुछ है स्पेशल इंग्रेडिएंट जिससे आपकी कलेजी और अच्छी। तो मैंने बस थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 2-3 स्पून के करीब, टेबल स्पून के करीब, ताकि ये कलेजी हमारी सॉफ्ट हो जाए। बस इसको अब ढक देंगे, ढक कर पकाते हैं। ये भुना कुटा हुआ जीरा और धनिया डाला हमने और ये हम इसमें नमक डालेंगे। कलेजी हमारी बिल्कुल हो गई है सॉफ्ट एकदम, ये देखें आराम से बिल्कुल टूटने वाली है ये। टेस्ट आना चाहिए खानों में और चख भी लें आप, अगर नमक आपको कम लग रहा है तो डाल दिया करें, ये नहीं कि आप ऐसे ही पेश कर दें लोगों को। थोड़ी सी कसूर मेथी डालेंगे, कसूरी धनिया डालेंगे थोड़ा सा, क्रीम हमना थोड़ी सी डालेंगे। क्रीम डालेंगे हम, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे,
ग्रेवी रेडी। ट्राई करें इसको और फीडबैक जरूर दिया करें, बताया करें क्या चीज आपको पसंद आ रही, और व्यूज अच्छे आने चाहिए। आप लोग अगर शेयर करेंगे तो गरम मसाला हल्का सा हम आप लोग फीडबैक दिया करें, और अपने जो भी रिलेटिव हैं आप लोगों के हैं उनको शेयर किया करें। क्रीम से ज़रा थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा, लोग क्रीम नहीं डालते हैं कलेजी में। ये अब हमने थोड़ा सा चेंज करके बनाई है क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज मैं दिखा चुकी हूँ कलेजी की, सभी थोड़ा सा डिफरेंट हो गई। आप खुद भी बनाने की कोशिश करते रहा करें, चेंज किया करें रेसिपीज को, ये नहीं बस वही चली आ रही है आप घर के खाने या वो बस जो सीख लिया। और ये भी कोशिश किया करें आपके घर वालों को आपको क्या टेस्ट पसंद आ रहा है, ये नहीं कि हम बस बना रहे हैं किसी पता चल नहीं रहा है कि क्या अच्छा लग रहा है आपकी फैमिली को, इस टाइप के खाने पसंद है उस टाइप के खाने बनाए। ये झटपट बन जाती है, बस 10 मिनट में हमारी कलेजी लगी हुई है। ये अब हम हरी हो गई है तवा कलेजी रेडी, अब हम इसको खाते हैं नान के साथ चपाती के साथ। आप लोग भी इंजॉय करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, अपना उठाएं मोबाइल और जल्दी से करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मोर वीडियोज़ मिलती रहें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।